12 सितंबर को जन्मे व्यक्ति अपनी वाणी के प्रभाव से धन कमाने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। विद्या के क्षेत्र में ये लोग महारत हासिल करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते देखे गए हैं। पढ़ने लिखने के बेहद शौकीन होते हैं, क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जीवन भर ये ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। इन लोगों में टेलीपैथी क्षमता भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। दूसरों के मन की बात को भी ये आसानी से समझ जाते हैं। इन लोगों में एक अद्भुत समझ देखने को मिलती है जो पुस्तकों या अध्ययन से प्राप्त नहीं की गई होती। इन लोगों को अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ देश दुनिया की भी पूरी जानकारी होती है। आसान शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि इन्हें सब पता है, इन्हें सब आता है, इनके पास हर बात का सॉल्यूशन है। वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो क्षेत्र चाहे आपका आध्यात्म का हो, सामाजिक हो, प्रेम का हो या फिर परलौकिक रहस्यों का हो। अब वो क्षेत्र चाहे राजनीति का हो या फिर खेल संबंधी हो या फिर संगीत से संबंधित हो, किसी भी कला के क्षेत्र से क्यों ना जुड़ा हो, इन लोगों को हर फील्ड में क्यूरियोसिटी रहती है, जिस कारण लगभग सभी क्षेत्रों में ये हाथ आजमाते देखे गए हैं। व्यवहार कुशल हैं, वाक्पटु। अगर किसी से कोई बात ये छिपाना चाहते हैं तो बहुत ही कुशलता से अपनी बात को इस तरह से बोलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने वाले को इन पर पूरा विश्वास हो जाता है कि ये जो कह रही हैं वो सत्य है। बातों बातों में अपने सारे काम भी निकाल लेते हैं। इन लोगों को आप एक विद्वान, विवेकी, तीव्र मस्तिष्क का मालिक कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मीडिया के क्षेत्र में काम करके यश, प्रतिष्ठा, सम्मान पाते हैं। बेहद बातूनी हो सकते हैं, धैर्यवान भी हैं, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला इत्यादि में विशेष रूप से रुझान रखते हैं। पुस्तकें पढ़ने के बेहद शौकीन हैं, कहीं से भी ज्ञान की बातें इनको सुनने को मिल जाए उत्सुक रहते हैं। सत्य और ज्ञान की खोज में ये लोग निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। धर्म और न्याय को मानते भी हैं और कानूनी ज्ञान भी रखते हैं। ऐसे लोग धर्म और न्याय के पद पर भी देखे जा सकते हैं। विविध विषयों में रुचि, नीति कुशलता, व्यवहार कुशलता, दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता, दूरदृष्टि इन्हें मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनाती है। अपनी इन्हीं योग्यताओं के कारण जीवन में ये लोग शीघ्र सफलता हासिल कर लेते हैं। प्रत्येक काम को ये जी जान लगा के करते हैं। उस वक्त ना ये दिन देखते हैं और ना ही रात। अपने पुराने अनुभवों से लेसन लेते हैं और आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। ये लोग गतिमान हैं, रुकने में विश्वास नहीं रखते हैं। कभी कभी ये लोग ऐसे विषयों पर चर्चा करने लगते हैं जिस पर लोग सहज ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। इनकी मानसिक शक्ति और बौद्धिक क्षमता ओजस्विता से भरपूर होगी। इन्हें सदैव खोज संबंधी विषयों में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, कुछ नया कर दिखाने की लालसा इनमें हर समय रहती है। धन कमाने के इनके पास बहुत सारे नायाब तरीके होते हैं, नायाब सोच होती है इनकी। ऐसे लोग शेयर मार्केट में सट्टा, कंपनी प्रोमोटर्स के रूप में, व्यापार में नए विचारों में, नई स्कीम से लाभ उठाने में लोग सक्सेस रहते हैं। चाहे जितना भी धन कमा लें ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई बार अपना पैसा ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर मार्केट में या चिट फंड जैसी कंपनियों में लगा बैठते हैं और फिर भारी नुकसान भी करवा लेते हैं। इसी कारण इनके आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये लोग ऐसे काम में ज़्यादा सफल होते हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होता है। अच्छे पॉलिटिशियन साबित होते हैं, रिसर्च फील्ड में अच्छा करते हैं, एक अच्छे लॉयर, टीचर, प्रीचर, काउंसलर के रूप में बहुत सक्सेस रहते हैं। संगठन कार्यों में तो ये उत्तम साबित होते हैं। 12 सितंबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 3। 3 यानी कि गुरु की एनर्जी, लेकिन इसमें गुरु की एनर्जी के साथ सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी भी शामिल है। दोनों के मिलने से गुरु बृहस्पति की उत्पत्ति हुई है। ऐसा गुरु जिसमें ज्ञान हासिल करने की चाह है, क्यूरियोसिटी है, जहां से जो मिल जाए सीखते हैं। 1 का अंक सूर्य का है, लीडिंग पावर रखता है, हमेशा फ्रंट पेज पर रहना चाहता है, उसके ये नेचुरल गुण है। वो शेर की भांति निडर है, साहसी है। लेकिन 2 का अंक यानी कि चंद्रमा के मिल जाने से उसमें इमोशनल वाले गुण भी मिल जाते हैं। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता है। अब वो उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता है जितना कि 1 नंबर वाले होते हैं। 12 अंक वालों के पास चंद्रमा की चंचलता भी है, सूर्य वाली लीडरशिप क्वालिटी भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और गुरु वाला ज्ञान भी है। भले ही इनकी एकेडमिक एजुकेशन में रुकावटें आ जाए, लेकिन इनके सीखने की प्रवृत्ति,
इनकी लाइफ टाइम चलती रहती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाई में बाधा आ सकती है क्योंकि यहाँ पे कारक जो है चंद्रमा है और चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है, जिसे हम अमावस योग भी कहते हैं। गुरु बृहस्पति के कारण ये लोग बरकत वाले होते हैं, दूसरों के लिए बहुत लक्की साबित होते हैं। जिसके भी साथ जुड़ जाते हैं उनकी किस्मत से ये दूसरों को भी, अपनी किस्मत से दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन बात जहां इनकी खुद की आती है, ये कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि इनमें ना तो सूर्य वाले गुण पूरी तरह से हैं ना ही चंद्रमा वाले गुण पूरे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के मिल जाने से अमावस वाली किस्मत हो गई। दूसरों के लिए ये भाग्यशाली साबित है क्योंकि यहाँ पर एक गुरु की भांति ये दूसरों को गाइड करते हैं, इसलिए ये लोग एक काफी अच्छे काउंसलर साबित होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने लिए भले ही स्ट्रगलर हों लेकिन दूसरों के लिए लकी हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, एक पथ प्रदर्शक की भांति रास्ता दिखाने वाले ये लोग होते हैं। यहाँ आपके सूर्य और गुरु दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन चंद्रमा को आपको यहाँ मजबूत करना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। 12 सितंबर को जन्मे व्यक्ति की सूर्य राशि है कन्या, जिसके स्वामी है बुध देव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य कन्या राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य सिंह राशि में है तो आपको मेरी 12 अगस्त वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य तुला राशि में है तो आपको 12 अक्टूबर को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 12 सितंबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर गुरु बृहस्पति और कन्या राशि के बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। कन्या राशि के बुध वाले लोग मिथुन वाले बुध से भिन्न होते हैं। इसे समझने के लिए आप कन्या के प्रतीक चिन्ह को देखो। ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं, सेवाभावी होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं। हर समस्या का समाधान इनके पास होता है, इनका विश्लेषण स्पष्ट होता है, इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत जबरदस्त होती है, उत्तम होती है। ये दूसरों के तीव्र आलोचक होते हैं, कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, हिसाब किताब में पक्के होते हैं। इनका संपूर्ण दृष्टिकोण व्यावसायिक होता है, पैसा और धन इनके लिए सर्वोपरि है। ऐसे लोगों को मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़ के आप देख सकते हैं। बिजनेस में ये लोग अच्छे एक प्लानर साबित होते हैं। धन कमाने के इनके पास एक से एक नए आइडियाज होते हैं। ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में भी खूब इंटरेस्ट रखते हैं। अब अगर देखा जाए तो गुरु ज्ञान है तो बुध बुद्धि है। ज्ञान और बुद्धि का समावेश हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, वाक्पटु तो होगा ही, धार्मिक और न्यायप्रिय भी होगा, कानून का पालन करने वाला होगा, शिक्षा और साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी विशेष रूप से रुचि रखेगा। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होगा, व्यवहार कुशल होगा, अपना हर कार्य बहुत ही सोच विचार कर गहराई से सोचने वाला होगा। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में वो सक्रिय होगा। गुरु बृहस्पति और बुध,
गुरु चिंतन है तो बुध ग्रहण करने की क्षमता देता है, गुरु जीव है तो बुध मस्तिष्क है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। बुध अल्हड़ है, युवराज की भांति इसका आचरण है। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी के रंग में रंग जाता है। गुरु व्यक्ति को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में ही सुख देने में सक्षम है, लेकिन बुध यहाँ पर गुरु से शत्रुता रखता है, बृहस्पति को खराब और कलंकित करने की कोशिश करता है। गुरु तो बुध का साथ देता है, लेकिन कई बार बुध व्यक्ति की बुद्धि को नेगेटिव कर देता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि से लिए गए फैसले फिर धर्म ज्ञान आध्यात्म के विपरीत हो जाते हैं। हमेशा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति की संगति करता है तो उसकी अच्छाइयाँ कम ही ग्रहण कर पाता है, जबकि बुरे व्यक्ति की संगति में बुराई को जल्दी अपना लेता है। वैसा ही यहाँ भी देखने को मिलता है। कुंडली में अगर बुध या गुरु खराब या फिर कमजोर स्थिति में हुए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अस्पष्ट हो सकती है, जातक मंद बुद्धि का हो सकता है या दृष्टि उसकी कमजोर हो सकती है, जीवन में उदासी घिरी रह सकती है, गति की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, वो लोगों से बातचीत करने में भी घबराएगा, उसे मैथमेटिक में अकाउंट्स में शेयर मार्केट या ज्ञान अर्जित करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसे लोगों का बिजनेस भी मंदा चलेगा। ऐसे व्यक्ति के घर में दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। और इसके विपरीत बुध अगर गुरु का साथ देगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन की सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, पराक्रमी होगा, अच्छा गणितज्ञ होगा, तीव्र बुद्धि वाला होगा, साहित्य और कला के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, लेखक या फिर प्रकाशक हो सकता है, धनवान बहुत होगा, अच्छा वक्ता होगा, मधुर वाणी वाला होगा। ऐसे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा, कामयाबी उसके पीछे पीछे चलेगी। ऐसा व्यक्ति धर्म और न्याय का पालन करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा, सुखी होगा, लेकिन पिता को शारीरिक और आर्थिक कष्ट बना रह सकता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में तो माहिर होगा ही, क्रिएटिव माइंड का भी होगा। गुरु का मैच्योरिटी लेवल और बुध का अल्हड़पना, मौज मस्ती, दोनों ही बातें इन लोगों में देखने को मिलेंगी। जब ये मौज मस्ती करने पर आते हैं तो मौज मस्ती में ही पूरी तरह से खो जाते हैं, और जब बात काम की आती है, कार्य क्षेत्र की आती है, वर्क प्लेस की आती है, तो वहाँ पर ये अपनी वाक्पटुता से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कुंडली में आपके गुरु और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका गुरु कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब गुरु और बुध के लक्षण वाली मेरी इन वीडियोस को दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सलाह जब तक कोई ना मांगे तब तक बिल्कुल भी ना दें, अपना ज्ञान व्यर्थ में ना बांटें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, भरपूर नींद लें, वाणी दोष है तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी वाणी में सुधार करें, और हाँ, लाइफ में जब ऐसी कठिन परिस्थितियां हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्रमा और 9 का अंक मंगल का। आपके सम अंक हैं शनि और केतु, यानी कि 7 और 8 का अंक। आपके शत्रु अंक हैं 4, 5 और 6 का अंक, यानी कि राहु, बुध और शुक्र। आपके लिए शुभ तिथि है 3, 12, 21 और 30 तारीख। आपके शुभ दिन हैं गुरुवार और मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है पीला, केसरिया, नारंगी, गोल्डन कलर, रेड येलोइश कलर। आपको डार्क रंग्स को अवॉइड करने चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 अगस्त से 27 सितंबर और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 3, 12, 21 या 30 तारीख को कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्म लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।